सो बाइक हमने आपको दिखा दी और इनफैक्ट बाइक की पूजा भी हमने करवा ली है। आज हम आपको कुछ नया दिखाएंगे इस बाइक के लिए। आप देख रहे हो कितनी छोटी सी क्रैश गार्ड है। जब ये बाइक गिरेगी तो ये क्रैश गार्ड जो है इंजन तो बचा लेगा बट ये टैंक नहीं बचा पाएगा। ये टैंक की प्राइस है 42,000। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे जाना का क्रैश गार्ड। आज हम जो रिप्लेस करा रहे हैं, एक बार थोड़ा शुभैन सामने आना, ये जो हैंडल राइजर है ये भी हम जाना का लगाएंगे क्योंकि थोड़ी तो हाइट बनती है गाइज, थोड़ा तो कंफर्ट चाहिए हमें ड्राइव करते वक्त। आज हम लगाएंगे हेडलाइट ग्रिल एंड वो भी जाना का। सो इंस्टॉलेशंस जो है सारी चीज़ें KTM के सर्विस सेंटर से करा रहे हैं। बहुत लेट है, हम लोग अपॉइंटमेंट हम लोग का ऑलरेडी फिक्स्ड है। सो अभी सीधा चलते हैं सर्विस सेंटर, बाद में एक छोटी सी रिव्यू भी देंगे आपको कि कैसी लग रही है बाइक। एंड आप ज़रूर बताना कि आपको बाइक देख के कितनी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट जब भी आप KTM एडवेंचर 390 खरीदो, ये क्रैश गार्ड ज़रूर आप रिप्लेस करा लेना क्योंकि यार ये ना आपकी इंजन थोड़ी बहुत हद तक बचा लेता है बट ये टैंक बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। इनफैक्ट अभी अगर मैं ये बाइक अगर मैं गिरा दूँ तो ये टैंक के ऊपर ऑलरेडी जो है डैमेज आपको दिखेगा। Later. सुबह के निकले थे 11 बजे। कहाँ गए थे आपको बताए थे कि जा रहे हैं इसकी क्रैश गार्ड चेंज कराने। सो वीडियो जहाँ से स्टार्ट करी थी वीडियो एंड भी हम उसी जगह कर रहे हैं। कहाँ? ठीक मेरे शेल्टर के सामने, और ये है मेरा गराज। सो बात करते हैं हमने इस पर क्या इंस्टॉलेशन कराया है। सबसे पहले आप देखो इसकी जो क्रैश गार्ड है गाइस, ये हमने इसकी चेंज करा दी है। जाना की हमने क्रैश गार्ड लगाई है, आपको पहले दिखा दिया क्रैश गार्ड। ये हैंडल राइजर जो है गाइस, ये चेंज करी है हमने। ये चेंज करने का फ़ायदा क्या है? ये चेंज करने का फ़ायदा है, पहले जहाँ मैं ऐसे ड्राइव करता था अभी मैं ड्राइव ऐसे ही कर रहा हूँ। और एडवेंचर में थोड़ा सा अगर रिलैक्स फील ना हो तो टूर करके तो मज़ा नहीं आता ना गाइस। और एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ, देखना चाहोगे? आ जाओ। उसके लिए थोड़ी सी बाइक पीछे करनी पड़ेगी। ये रही हेडलाइट ग्रिल। इसके ऊपर तो एक कमेंट बनता है कि आपको अच्छा लगा ये कि नहीं। जाना के अलावा भी दो तीन ब्रांड्स हैं, उसमें भी एक ऑप्शन था बट मैंने जाना में जाना सही समझा क्योंकि ये इसकी लुक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रही थी। अब डिसाइड आपको करना है ये कितना अच्छा आपको लगा। अब बाइक पार्क करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं जस्ट कुछ सेकंड्स में। कंप्लीट हो गई, बाइक भी अंदर चली गई, शेल्टर भी गिर गई। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए साइफर कैश। अभी नई माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ जो है इसकी सफाई चल रही है। नेक्स्ट वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। हम लोग डिस्प्ले पे एक TFT स्क्रीन प्रोटेक्टर हम लोग इंस्टॉल करेंगे एंड कम्प्लीटली वीडियो जो है बहुत जल्द मेरे चैनल में अवेलेबल होगा। तब तक के लिए आप अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए साइफर कैश।